हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आने वाले 24 आवर्स या आज का दिन आपके लिए कैसा बीतने वाला है। और साथ साथ इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। बट जब भी आप इसे देख रहे हो उस टाइम से लेके अगला 24 घंटा ये वीडियो आपको रेजोनेट करना चाहिए। दूसरा चीज़, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना लेना। कोई भी मैसेज को अपने लाइफ के ऊपर फोर्स मत करना। और साथ साथ अगर मेरे बारे में कोई भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट हियर। कलेक्टिव व्हाट कैन वी नो, स्पिरिट कम थ्रू, गिव अस अ मैसेज। Next 24 hours for whoever is watching this. Agla 24 ghanta. We have the star energy for sure. Okay. What else? Spirit. I feel like the energy tells me ki next 24 hours obviously aap busy ho. आप बिज़ी हो किसी चीज़ को कंप्लीट करने के पीछे। लाइक आपने कुछ तो शुरू किया है एंड स्पिरिट सेज़ कि आपको वो कंप्लीट करना है। कोई आपका काम, कोई घर का काम, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, कोई फ्रेंडशिप, किसी के साथ कोई बातचीत, कुछ तो आपने शुरू किया है या कुछ तो आपके लाइफ में शुरू हो चुका है एंड स्पिरिट इज सेइंग कि आपको उसे कंप्लीट करना है, आपको उसे फिनिश करना है जितना हो सके। बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो इम्पॉर्टेंट है या ये कुछ ऐसा मैटर है जो शायद आप उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो या आप उतना ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो। ये डेफिनेटली कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि करियर या फैमिली या स्टेबिलिटी, मनी समथिंग, या बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की करियर, समथिंग लाइक दैट। बट आई फील लाइक आपको यहाँ पे जो समझना है आने वाले 24 घंटे में कि यू हैव टू बी मोर एक्टिव, आपको एक्शन बहुत ज़्यादा लेना है। आप चुपचाप नहीं हो सकते, आप काइंड ऑफ इतना नॉन एक्टिव नहीं हो सकते। दैट इज़ व्हाट आई एम मीनिंग, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप डेफिनेटली एक्शन ले, आप डेफिनेटली एक्शन ले किसी चीज़ के पीछे। बिकॉज आई फील लाइक कलेक्टिव यहाँ पे जो सिचुएशन है लाइक ओके वेट, इट्स लाइक आपके पास क्लैरिटी है कि आप क्या कर रहे हो या आप क्या करने जा रहे हो। सो मान लो कि अगले 24 घंटे में आपका कोई इम्पॉर्टेंट काम है जिसे आप डिले कर रहे हो। स्पिरिट इज सेइंग उसे डिले मत करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है या आपके मे बी कुछ इम्पॉर्टेंट सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। सो कोई भी चीज़ में डीले या लेज़ीनेस, कमज़ोरी मत दिखाना, क्योंकि आपको एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हो आपके लाइफ में, अगला 24 घंटा एक्शन लेने की कोशिश करो, या तो उसे ठीक करो, या तो उसके साथ डील करो, या तो कोई यू नो एक्शन लेके चीज़ को कंप्लीट कर दो, ख़त्म करो किसी काम को जो आपने शुरू किया है, वॉट एवर इट इज़। बट टाइम वेस्ट मत करना या बस बैठ के सोचते मत रह जाना कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जितना एक्शन पॉसिबल है उतना एक्शन लो, ठीक है। अ लॉट ऑफ यू आई सी, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने स्टेबिलिटी पे, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, बिकॉज वही चीज़ है जो आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपकी सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपका ईएमआईज, आपके लोन्स, आपके यू नो वट एवर। सो आई सी लाइक वो एक चीज़ है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप फाइनेंशियली स्टेबल महसूस करोगे, लेकिन मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा और कुछ चाहिए, लाइक आपको पूरा 100% सैटिस्फैक्शन नहीं है। सो मान लो अगर आपको कहीं से पेमेंट आ रही है, आपको लग रहा है कि मुझे इससे भी बड़ा बिजनेस करना है या इससे भी ज़्यादा क्लाइंट्स लाने हैं, पर जो आपके पास आ रहा है वो कोई कम नहीं है या वो कुछ उसमें कुछ कमी नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पैसा है या काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट आपका जो एनर्जी है कि यू वांट मोर, आपको लग रहा है कि नहीं इससे ये ठीक है बट इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए, इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए। बट कभी कभी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या आप ओवर एक्सपेक्टेशन तो नहीं लगा रहे हो, क्या आप कुछ चीज़ को
और लाइक रियलिटी से बाहर जाके तो नहीं चाह रहे हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि लाइक ग्रो करना इज़ इम्पोर्टेंट। एक जगह से दूसरे जगह या उसके नेक्स्ट स्टेप तक जाना, उस जाने का जो इंसान का जो मन होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। वरना हम लोग कभी ग्रो नहीं करेंगे, वरना हम लोग वो सेम कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, हम लोग ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि जो मिल रहा है वो काफ़ी है फिलहाल के लिए, लेकिन हम लोगों को उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। हम लोग लगता है नहीं और चाहिए और चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कहाँ पे आपको फिलहाल के लिए खुश रहना है। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आप कहीं पे भी कोई भी लिमिट में जाके आप खुश नहीं रहोगे। जब आपको और मिलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं, और भी ज़्यादा चाहिए आपको। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल जब आप नेक्स्ट 24 आवर्स अपना बिजनेस या अपना करियर से डील कर रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आपको जो मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जो क्लाइंट्स, जो बिजनेस, जो मीटिंग्स आप अटेंड कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन हो या बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, उसमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो, उसमें आप काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी आपको मिल रहा है, या आप ओवरऑल सेटिस्फाइड हो सकते हो, काफ़ी अच्छा सिचुएशन भी है। सो देर इज़ नो नीड टू बी कि नहीं मुझे और एक्सपेक्ट करना है, नहीं मुझे सेटिस्फाइड नहीं रहना है। एंड अगर ये कोई और आपके साथ कर रहे हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट कोई और काइंड ऑफ ये बता रहे हैं आपको कि ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें और चाहिए करना होगा, तुम्हें और ये करना हो, सो यू हैव टू इग्नोर दैट पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। क्योंकि आप जो कर रहे हो वो काफ़ी है, वो अच्छा है, वो बेटर है, ठीक है। सो अगर आपको ओवर प्रेशर लग रहा है, अगर आपको प्रेशराइज्ड फील हो रहा है, तो आप उस इंसान को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, अगर ये प्रेशर बाहर से आ रहा है। क्योंकि यू नो, आपको खुद को एकदम लाइक पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, आपको रियलिटी से जुड़ा होना होगा। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई सी हियर इज़ फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ मैरिज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, या आपको किसी से एक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको मैरिज चाहिए किसी से। सो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो यहाँ पे, या आपके मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, इन लॉज के साथ कुछ इशू या प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए खास करके व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ दैट सिचुएशन थोड़ा सा बैलेंस होगा। ऑल द मैरिड कपल्स, आपका सिचुएशन आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ थोड़ा सा बैलेंस्ड होगा, बिकॉज आई कैन सी हियर दैट या तो आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स, या कुछ टाइम आप लोग साथ में बिता रहे हो, मे बी आप लोग साथ में डिनर कर रहे हो, मे बी आप लोग एटलीस्ट कहीं मूवी जा रहे हो, समथिंग, एटलीस्ट समथिंग, या कॉल पे बात कर रहे हो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ कहीं और रहते हैं काम के सिलसिले में या वॉट एवर। सो आई सी आप लोग कुछ ना कुछ टाइम साथ बिता रहे हो जो आप लोगों को हेल्प कर रहा है आप दोनों के बीच का सिचुएशन थोड़ा सा बैलेंस करने में। कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं जो होना ज़रूरी है। सो इस नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट, ठीक है। मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना, जितना भी मौका मिले ट्राई टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर अगर आप बैलेंस चाहते हो, चाहे वो आधा घंटा क्यों ना हो, चाहे वो 4 घंटा क्यों ना हो, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, चाहे वो बाहर जाके कहीं पे हो या घर में बैठ के आप लोग कुछ टीवी देख रहे हो, व्हाटएवर, ट्राई टू डू दैट, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू, ठीक है। दूसरा आते हैं उन लोगों पे जो लोग किसी रिलेशनशिप सिचुएशन में फंसे हुए हो, एंड आई कैन सी हियर दैट आप काइंड ऑफ चाहते हो दैट दिस पर्सन गिव्स यू सम स्टेबिलिटी, या ये पर्सन आके आपको कमिटमेंट दे या कुछ ऑफर करे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, या जो आप चाहते हो इस कनेक्शन से क्या वो एक्चुअली में हो पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी दैट फॉर सम ऑफ यू, ये हर किसी के लिए नहीं है, गिने चुने मे बी 4, 5, 6 लोग हो सकते हैं आप में से, जिनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी आप अगेन यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो। मे बी ये आपका करियर नहीं है, ये आपका लव लाइफ है जहाँ पे आप ओवर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो। आप देख पा रहे हो इस पर्सन का बिहेवियर, इस पर्सन के बातें या इनके एक्शंस क्या है, कैसे है, अच्छे है या बुरे हैं, वॉट एवर, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो जो रियलिटी नहीं है।
सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपके सामने वो क्लैरिटी है, फिर एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ लगाने की क्या मतलब है जो रियलिटी से बहुत दूर है। मे बी आपको दिख रहा है कि ये पर्सन के आप दोनों के बीच में रेड फ्लैग्स हैं बहुत सारे, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते। मे बी आप देख रहे हो यहाँ पे थर्ड पार्टीज है, मे बी आप देख रहे हो ये पर्सन सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा फिर तो इस टाइम के अंदर वी शुड गेट मैरिड। डजंट मेक सेंस, क्योंकि मैरिज के लिए वो स्टेबिलिटी, वो इक्वल गिव एंड टेक, वो रिस्पेक्ट, वो सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो मैरिज सक्सेसफुल हो सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इस पर्सन को जो देख रहे हो एंड आप इस पर्सन को जैसे जज कर रहे हो या जो एक्सपेक्टेशन इस पर्सन के साथ आप लगा रहे हो, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो संभव है इस वक्त। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज समथिंग डिफरेंट, आप जो सोच रहे हो ये पर्सन वैसे नहीं है, या आप इस पर्सन को जैसे इस वक्त जज कर रहे हो वो पर्सन वैसे नहीं है। एंड ये दोनों तरफ हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत बुरे हैं, ये पर्सन प्लेयर है, ये पर्सन टॉक्सिक है, ये पर्सन रेड फ्लैग्स है, लेकिन शायद ये पर्सन बुरे नहीं है, शायद वो प्लेयर नहीं है, शायद कुछ और बात है, कुछ और कहानी है, लेकिन आप बहुत जल्दी से जज कर रहे हो, आप बहुत जल्दी एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि ये तो नहीं टिकने वाला, ये तो नहीं होने वाला, ये तो छूट जाएगा। और ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, ये पर्सन ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत पसंद है, बट एक्चुअली में मे बी ये पर्सन कुछ और ही है, इनका कहानी कुछ और है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि कुछ लोग आप भावनाओं में बह रहे हो, एक्सपेक्टेशंस में बह रहे हो जो रियल नहीं है। जानने की समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली इस पर्सन को जानो, बिकॉज यूनिवर्स आपको साइंस भेज रहे हैं इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है, तभी जाके डिसीजन ले पाओगे। ओके, लेट अस सी क्या ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहेंगे, एनी मैसेजेस या उनकी करंट फीलिंग्स। लेट अस सी उनकी करंट फीलिंग्स। We have you are worthy of love within our next few months. Okay, reaching out, twin flame recognition, fear of coming, yes, fear of coming together, conflicts. Okay, collective. First of all, अगर ये no contact में हो आप लोग, this person will reach you out कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पे, that this person has some problems, addiction problems कुछ लोगों के लिए, third parties कुछ लोगों के लिए, या इनका जो family है बहुत problematic family situation में मे बी आप लोग हो, कुछ लोगों के लिए ये karmic है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है soulmate twin flame वाला situation हो, लेकिन देर इज़ अ कार्मा जो आप दोनों के बीच में फिलहाल चल रहा है, क्योंकि इस पर्सन की पूरी सच्चाई मुझे नहीं लगता आपको पता है, ठीक है। बट यूनिवर्स इज सेइंग बहुत धीरे से काम लो, हैव अ डीप कॉन्टम्पलेशन, बहुत सोचना पड़ेगा आपको इस कनेक्शन के पीछे। आप जितना भी सोचे हो, जितना भी आप देख रहे हो, या तो आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो, या तो आप उतना ज़्यादा सोच रहे सोच ही नहीं रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको इस पर्सन से क्या चाहिए एंड इस पर्सन की रियलिटी क्या है, बिकॉज आई फील लाइक ये पर्सन आपको पसंद ज़रूर करते हैं, दिस पर्सन लाइक्स यू, ठीक है। मे बी प्यार भी है कुछ लोगों के लिए, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आर यू बोथ ऑन द सेम पेज, क्या ये पर्सन आपके लिए द राइट चॉइस है। बिकॉज येस, आप लोग बहुत अच्छा केमिस्ट्री बनाते हो, आप लोग बहुत अच्छा एक आप लोग जब साथ होते हो इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी फन लविंग, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग है, आप चाहते हो शादी करना एक दूसरे से, वट एवर इट इज़। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ वन साइडेड सिचुएशन एंड यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ हैं एंड आप यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद सच पीपल। हर किसी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। ओके, सो यू मैं आपको इतना कहूँगी दैट दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन,
नंबर वन, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड आपको बहुत सोचना है, डीपली सोचना है. कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्सपेक्टेशन लगाने से पहले 100 बार सोचो, अपना समय लो, 3-4 दिन, 1 हफ्ता, जितना समय लेना है लो. कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा चीज़ ये है, ये देखो दैट इस पर्सन के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ रेड फ्लैग्स है जिसका प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, आपके कनेक्शन के ऊपर आ रहा है. पहले तो उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो अगर वो मुमकिन है आपके लिए. अगर मुमकिन नहीं है तो ये इस पर्सन का कार्मा है, ये उसके ऊपर छोड़ दो. दूसरा आप क्या कर सकते हो, यू कैन वर्क ऑन योर रियलिटी कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या मिल रहा है. इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करो. ऐसा करने से आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि आपकी रियलिटी क्या है, आपको बेटर समझ में आएगा. ठीक है, एंड देन यू टेक योर डिसीजन एंड देन आपको जो करना है करो. फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन जिसके बारे में यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा समय दोगे, शायद आपको पता चल जाएगा. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Also, I'm not well, so last 2 days से I could not upload the videos. बहुत सारे लोगों ने reach out किया है. Thank you so much for your concerns. I really appreciate that. तो कोई बात नहीं, I'm back on the channel and yes, जितने भी videos delay हैं वो सब upload हो जाएंगे आज तक. And thank you so much for being patient. Thank you so much for reaching out and for your best wishes. So yes, take care, God bless you too, and मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई रीडिंग के साथ. और अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पे नए हो एंड आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो. टेक केयर एंड गुड बाय.